14 नवंबर 2020 को घाटमपुर भद्रस गांव में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जाए। अब उस पर फैसला आ गया है। संतान सुख के लिए परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना ने अपने परिवार के अंकुर हुला और वीरन की मदद से मोहल्ले के करण कुरील की 6 साल की बच्ची को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका अंग निकाल कर दंपति ने खा लिया था। और हत्या से पहले दरिंदे दोनों युवकों ने बच्ची के साथ रेप भी किया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए एडीजी पॉक्सो एक्ट शमीम रिजवी की कोर्ट ने दंपति समेत चारों आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और सब पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने चारों को जेल ले जाकर दाखिल कर दिया। घटना 14 नवंबर 2020 की है, जब दीपावली की शाम बच्ची अचानक लापता हो गई थी। घर में दिया जलाने की तैयारी चल रही थी, बाद में बच्ची का शव मिला। घटना की विभत्सता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिससे साफ है कि उसके साथ दरिंदगी की हदें पार की गई थी। वहीं उसका लीवर, फेफड़े, कलेजा निकाल लिया गया था। उसे दंपत्ति को दिया गया था, जिसे दोनों ने संतान सुख प्राप्ति के लिए खा लिया था। कोर्ट में इन तथ्यों को रखते हुए एडीजीसी प्रदीप पांडे और रामरक्षित शर्मा के आंखों में आंसू आ गए। कोर्ट के समक्ष रोकर उन्होंने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध बताते हुए चारों आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। वहीं बच्ची की हत्या के मामले में फैसला आने के बाद उसके माता पिता फफक फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बच्ची की हत्या के बाद से दिवाली नहीं मनाई। कोर्ट पर भरोसा था कि न्याय होगा। आज जब आरोपियों को सजा हुई तो आत्मा को शांति मिली है, दरिंदों को मासूम पर तरस नहीं आया। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करके सारे साक्ष्य इकट्ठा कर लिए थे और चार्जशीट फाइल की थी। मामले में 3 साल के अंदर फैसला आ गया है।